गट्टू बना नेताजी। गट्टू जिनके स्कूल आए हुए थे, मिश्रा सर कुछ काम से क्लास के बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सारा क्लास मस्ती कर रहा था, तभी हाथ में नोटिस बुक लेकर प्यून आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ, मिश्रा सर कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए तो हम मस्ती कर रहे हैं। ए नाचो रे। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे और प्यून सोचने पड़ गया। मिश्रा सर तो यहाँ नहीं है, अब इस नोटिस का क्या करूँ? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ, यह बताओ तुम्हारा नेता कौन है? गट्टू। बच्चे गट्टू का नाम लेकर चिल्लाने लगे तो प्यून बोला, नेताजी आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस की नोटिस है, क्लास में पढ़कर सुनाइए। गट्टू सामने आया और नोटिस बुक लेकर पढ़ने लगा कि तभी मिश्रा सर आगे आए और गट्टू को सामने खड़ा देखकर पूछने लगे, क्यों भाई हरी, बच्चों को पढ़ा रहे हो? अरे नहीं सर, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस है ना, उसी की नोटिस है। आप क्लास में नहीं थे इसलिए बच्चों से पूछा आपका नेता कौन है। बच्चे बोले गट्टू, इसीलिए गट्टू से पढ़वा रहे हैं। ऐसी बात है तो नेताजी शुरू हो जाओ। गट्टू नोटिस पढ़ने लगा। कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर सभी बच्चे सुबह ठीक 7 बजे अभिवादन हेतु मैदान में दाखिल हो जाएं। ऐसा कहकर गट्टू ने नोटिस बुक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो प्यून खुश हो गया। वाह नेताजी, ये हुई ना बात। ऐसा कहकर प्यून तो चला गया, पर मिश्रा सर गट्टू की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। कल नेताजी जयंती है और ये गट्टू भी बच्चों का नेता बनकर घूमता है। कल अगर गट्टू को अभिवादन समारोह में नेताजी बनाकर पेश किया जाए और चिंकी को, वाह वाह, फिर तो अभिवादन समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। मिश्रा सर खुश हो गए और उन्होंने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी तुम दोनों मेरे साथ हेडमास्टर के केबिन में चलो। 23 जनवरी की सुबह हो गई, स्कूल के सारे बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अभिवादन करने स्कूल पहुंचे। बच्चों, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी दहाड़ लगाने वाले नेताजी अपने खून के आखिरी कतरे तक आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेताजी जैसे महान क्रांतिकारक की वजह से ही आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। मैं हेडमास्टर पांडे जी से विनती करता हूँ कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का पूजन करे। सारे बच्चे और टीचर खड़े हो गए। हेडमास्टर पांडे ने नेताजी की प्रतिमाओं को फूलों का हार अर्पण किया और उनको अभिवादन किया। सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर नीचे बैठने लगे। तभी मिश्रा सर बोले, बैठो नहीं, सब लोग खड़े ही रहो, क्योंकि अब आपके सामने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सेना के साथ आने वाले हैं। ये सुनकर सारे उपस्थित दंग रह गए और इधर उधर देखने लगे। तभी बिगुल और बैंड की आवाजें आने लगी। सारे लोग पीछे देखे तो गट्टू नेताजी की भेष में चलते हुए आ रहा था। गट्टू के पीछे चिंकी और बाकी बच्चों की फौज सैनिक की ठाट बाट में आ रही थी। सबसे पीछे था बैंड पथक। नेताजी की यह अनोखी एंट्री देखकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। गट्टू और सेना सामने आकर थम गए। हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाजिर हुए हैं। वैसे तो नेताजी का किरदार निभाने वाला गट्टू है, पर हर हिंदुस्तानी के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं, इसलिए हमें गट्टू को भी नेताजी कहकर ही पुकारना होगा। आज ना कोई चीफ गेस्ट आएंगे और ना लंबा व्याख्यान होगा, आज आपके नेताजी खुद आपसे रूबरू होंगे। मैं नेताजी से विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित करे। नेताजी बना गट्टू माइक के सामने आया और बोलने लगा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मिट्टी को चूमकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो। ये आजादी पाने के लिए मेरे साथ साथ
मेरे अनगिनत साथियों ने प्राणों का बलिदान दिया है और तब कहीं जाके यह आजादी हासिल हुई है। अब यह आजादी की विरासत आपके हिरासत में है। ख्याल रहे कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सही सलामत पहुंचे, कोई इसे छीन ना ले और आपको गुलामी की गहरी खाई में ना ढकेल दे। इसलिए इस मिट्टी से एकी और नेकी स्थापित करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद। यह सुनकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक तालियों की बरसात होती रही। जब तालियों का जोर कम हुआ तो मिश्रा सर बोले, आपने अभी अभी नेताजी को सुना। आशा करता हूँ कि आपने नेताजी को समझा भी होगा और उनके दिखाए हुए राह पर चलने का फैसला भी किया होगा। इसी आशा के साथ आज का ये अभिवादन समारोह समाप्त होता है। जय हिंद। समारोह समाप्त होते ही सारे उपस्थित मिश्रा सर और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके क्लासमेट्स की प्रशंसा करने लगे, गट्टू चिंकी के साथ सेल्फी लेने लगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी के स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती उत्सव सही मायने में सफल हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।